और ह्यूमनिटी मानविकी से मेरी जीत हुई है काउंसिल मेंबर पद के लिए। और मेरा संगठन छात्र राजद है, छात्र राजद से हमारी जीत हुई है ह्यूमनिटीज से। और मेरा नाम मोहित कुमार यादव है। कितने वोट से आपने जीत हासिल की? मेरी जीत 76 वोटों से हुई है। कुल कितना वोट आया आपके? कुल 188। क्या लग रहा है आप क्या कर सकेंगे छात्रों के लिए? छात्रों के लिए मैंने जो जो उनके समस्याएं थे, जो जो मैंने चुनाव से पहले विभाग में मैंने जो गया था, जो जो मुख्य समस्याएं भवन की, शिक्षकों की, लाइब्रेरी की, इन सब चीज़ों के लिए सत्र नियमित के लिए मैं काम करूंगा। सत्र नियमित आपकी प्राथमिकता रहेगी? जी, सत्र नियमित मेरी प्राथमिकता रहेगी, भवन मेरी प्राथमिकता है, लाइब्रेरी मेरी प्राथमिकता है, और छात्रों की समस्या के लिए मोहित हमेशा खड़ा रहेगा। छात्रों की समस्या मेरी प्राथमिकता है। कितना संघर्ष करना पड़ा? मैंने दिसंबर से 2 महीना पहले से ही छात्रों के बीच में जाना शुरू कर दिया था। ह्यूमनिटीज में टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं, 9 विभाग के HOD शिक्षक, वहाँ के जो 4th ग्रेड 3rd ग्रेड के कर्मचारी हैं, सबसे मेरी बातें होती थी। छात्राओं के बीच में मैंने अपनी बात रखा, उन लोगों को मैं पसंद आया, इसलिए उन लोगों ने मुझे वोट किया। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने मुझे चुना है। इनके लिए मैं सभी छात्राओं का दिल से धन्यवाद देता हूँ। पीके का कोई असर देखने को नहीं मिला? नहीं नहीं, यहाँ ना पीके, ना भगवा, यहाँ अमित शाह, ना प्रशांत किशोर, ना नीतीश कुमार, यहाँ कोई नहीं था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोहित यादव था, और लालू यादव की जो लहर है, लालू यादव, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लालू यादव और उनके द्वारा उनके जो संगठन के काम करने वाले लोगों थे। और हम लोगों ने जमीन पे काम किया, इसकी जीत है। छात्रों के बीच में मैं गया, छात्रों के सहयोग के कारण मेरी जीत। चुनाव के दौरान या चुनाव के पूर्व आपने पीके पर बहुत गंभीर आरोप भी लगाए थे कि चुनाव को प्रभावित कर रहा। जी, ये मैंने ही नहीं, जितने भी छात्र संगठन है तिलकामांझी विश्वविद्यालय के अंदर, सभी ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो पीके चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट आप लोगों के सामने है, पीके फेल हो गया, प्रभावित नहीं कर पाया, वो कुछ नहीं कर पाया। अगर पीके का कुछ भी असर होता, पीके का तो कोई कैंडिडेट भी नहीं मिला यहाँ पे। पीके की आप बात कर रहे हो, पीके का यहाँ कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। बात नहीं, आप लोग बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोग नहीं बात कर रहे, मुद्दा आप लोगों ने लाया, छात्र मीडिया ने लाया है कि पीके का कह रहे हैं, पीके का कह रहे हैं। आरोप आप लोग रहते कि पीके प्रभाव कर रहा है, चुनाव पे प्रभाव डाल रहा है। जी हाँ, आप लोगों ने शिकायत भी की, छाला गया छात्रों के बीच में, उन लोगों ने दबाव डाला, चाहे पैसे पे हो, किसी भी चीज पे हो, छात्रों को डराया धमकाया गया। लेकिन इन सब चीजों का कहीं कुछ भी नहीं है। पीके को, छात्र जदयू को मानविकी में उम्मीदवार ही नहीं मिला, ना ही ABVP को। ABVP ने जो उम्मीदवार था उनको अपना समर्थन दे दिया। छात्र जदयू और ABVP को मानविकी में उम्मीदवार नहीं मिला। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोहित यादव का चेहरा था। मोहित यादव ने छात्रों के बीच में गया। तेजस्वी जी का संघर्ष, लालू यादव का संघर्ष।